शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की संपत्तियां जब्त, पूछताछ जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। पोर्नोग्राफी मामले में जेल जाने के बाद अब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने सख्त कदम उठा लिया है। दरअसल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़ी यह खबर सामने आई है, जिसमें राज कुंद्रा की तकरीबन 57 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा एक बार फिर से विवादों में घिरे गए हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर शिल्पा और राज के वकील का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने अपने क्लाइंट्स को निर्दोष बताते हुए जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है, साथ ही न्यायपालिका पर पूरा भरोसा भी जताते हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने ईडी की कार्रवाई के बाद उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। वकील का कहना है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपने क्लाइंट्स राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के प्रोटेक्शन के लिए उचित कदम भी उठाएंगे। एडवोकेट प्रशांत पाटिल के मुताबिक पहले देखने से उनके क्लाइंट्स के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला ही नहीं बनता है, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि जब हम मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे तो वह भी हमें न्याय ही देगी, जरूरत पड़ने पर हम अधिकारियों का पूरा सहयोग भी करेंगे। ईडी ने ट्वीट किया है कि राज कुंद्रा की करीब 57.79 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है। पीएमएलए 2002 की प्रावधानों के तहत राज कुंद्रा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसमें जुहू में स्थित फ्लैट भी शामिल है, जो अभी राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। राज कुंद्रा के नाम पर जो एक्टिविटी शेयर है उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के माध्यम से बिजनेस करना कानूनी है, लेकिन राज कुंद्रा ने बिटकॉइन के जरिए बिजनेस किया और इसके लेन देन में हेर फेर भी किया। इससे पहले साल 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने राज कुंद्रा से 2000 करोड़ के बिटकॉइन घोटाला मामले में पूछताछ की। ईडी के एक अधिकारी ने तब बताया था कि क्राइम ब्रांच में दर्ज केस के मामले में राज कुंद्रा से पूछताछ की गई। तब अधिकारी ने यह भी कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की घोटाले में कोई भूमिका है या फिर वह पीड़ित है, लेकिन अब जिस तरह से संपत्ति जब्त की गई है, राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कहा जाता है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वह एक ना एक दिन उसे शख्स के गिरेबान तक पहुंच जाते हैं जिसे कानून तोड़ने की कोशिश की हो या फिर अपराध की दुनिया में कदम रखा हो। ईडी का जबरदस्त तरीके से चाबुक पूरे देश में भ्रष्टाचारी नेताओं अभिनेताओं पर चल रहा है। अब बॉलीवुड के गलियारों में भी ईडी का तगड़ा एक्शन हुआ है, जिसके बाद हर काम बचा हुआ है। दरअसल बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन और एक्टर राज कुंद्रा एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ईडी ने बिटकॉइन फर्जीवाड़ा केस में उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके का एक्शन लिया है। ईडी ने राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है, जिसमें जुहू का फ्लैट और पुणे में बंगला भी शामिल है। इससे पहले राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंस गए थे, जिसमें उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था। हालांकि बाद में राज कुंद्रा को जमानत मिल गई थी। आखिर क्या था बिटकॉइन मामला, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि पुणे के दो बिजनेसमैन सहित अमित भारद्वाज और उनके भाई विवेक भारद्वाज ने अपनी कंपनी गेन बिटकॉइन के जरिए करीब 8000 से ज्यादा लोगों को धोखा दिया। ईडी ने 2018 में महाराष्ट्र पुलिस के फिर के आधार पर गेन बिटकॉइन की अमित भारद्वाज और 8 बाकियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इन दोनों भाइयों ने निवेशकों को सुनिश्चित रिटर्न का वादा अवैध क्रिप्टो मनी स्कीम चलाकर धोखा दिया। दोनों को पुणे पुलिस ने 5 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने महाराष्ट्र में दर्ज अलग अलग फिर को आधार बनाकर पीएम से लेकर तहत जांच शुरू की थी। वे 66 करोड़ रुपए के बिटकॉइन साल 2017 में हासिल किए थे। यह सभी बिटकॉइन फर्जीवादों के आधार पर इन्वेस्टर से लिए गए थे। इन्वेस्टर्स को यह भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें 10% रिटर्न दिया जाएगा। राज कुंद्रा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग का निजी हितों के लिए इस्तेमाल किया। यह एक तरह की पूंजी स्कीम थी।
राज कुंद्रा के पास मौजूद 250 बिटकॉइन की कीमत आज की तारीख में 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। राज कुंद्रा एक साथ कई बिजनेस संभालते हैं और अलग अलग क्षेत्र में उनकी कई कंपनियां भी हैं। लाइफस्टाइल एशिया की खबर के मुताबिक राज कुंद्रा की नेटवर्थ 2800 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे अमीर ब्रिटिश एशियाई बिजनेसमैन की लिस्ट में भी शामिल है। उन्होंने स्टील प्लांट, फैशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, विदेशी मुद्रा निवेश के साथ कई इंडस्ट्री में अपना बिजनेस फैलाया हुआ है, जो खूब फल फूल भी रहा है। लेकिन अब शिल्पा और राज की 57.79 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। दरअसल ईडी ने महाराष्ट्र में दर्ज अलग अलग एफआईआर को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी। राज कुंद्रा पर आरोप था कि उन्होंने कुछ बिटकॉइन फर्जीवादों के आधार पर इन्वेस्टर से लिए थे। इसके बदले में उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें 10% रिटर्न भी दिया जाएगा। ईडी की जांच में पीएमएलए कानून के तहत 63 लोगों के खिलाफ अपराध साबित हुए। ईडी की तरफ से पहली बार 2014 में ही एक मामले में अपराध साबित हुए थे। भाजपा सरकार में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7264 छापेमारी की, जबकि 2014 से पहले एड एंड सिर्फ 84 छापेमारी की थी। भाजपा सरकार में 1886 गुना ज्यादा छापेमारी की है। ईडी ने 755 लोगों को गिरफ्तार किया है और 21,618 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यूपीए सरकार में बेटे ने 29 लोगों को गिरफ्तार किया और सिर्फ 586 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। ईडी की गिरफ्तारी 26 गुना ज्यादा और संपत्ति शक्ति 24 गुना ज्यादा हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बीते 10 सालों में 1971 कुर्की के आदेश जारी किए हैं, जबकि पहले ऐसी 311 कार्यवाही की गई थी। इतना ही नहीं, आईजी ने 12 गुना ज्यादा चार्जशीट भी दाखिल की है। ईडी ने 36 मामलों में 63 लोगों के खिलाफ अपराध को साबित किया है और 73 चार्जशीट का निपटारा किया है। 2005 से 2014 के दौरान एड ने किसी मामले में कोई दोष सिद्ध नहीं की थी। ईडी ने बताया 10 सालों में पीएमएलए कानून के तहत 2310 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है, जबकि पहले सिर्फ और सिर्फ 43 लाख रुपए नकद जमा हुए थे। इन्हीं चार आरोपियों के भारत प्रत्यापित करने में सफलता हासिल की है और विजय माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी के खिलाफ ऐसी ही कार्यवाही अभी चल रही है। 24 रेड नोटिस भी जारी किए गए हैं, जबकि पहले कोई भी नोटिस जारी नहीं कराए गए थे। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जब्त की गई संपत्ति में जुहू में स्थित एक बंगला शामिल है, जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, और साथ ही पुणे में भी मौजूद एक बंगला इस पूरी संपत्ति में शामिल है। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ईडी ने जब्त कर लिए हैं। टोटल 57.79 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इससे पहले राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे थे, जिसके लिए वह जेल में गए थे। उनकी लाइफ किस तरह से उलट पुलट हुई, यह सब हमने काफी बारीकियों से देखा। इसके बाद जेल में वापस आए तो वह अक्सर मास्क लगाए देखे जाते थे। उनका नाम बॉलीवुड में मास्क मैन रख दिया गया था और काफी ज्यादा महीनों के बाद उन्होंने अपने फेस से वह अजीबोगरीब मास्क भी निकाल दिए जब उनकी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म भी उनकी उसे पोर्नोग्राफी केस से रिलेटेड और शिल्पा शेट्टी पर खेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपराधियों पर नकेल कसने का बीड़ा उठा चुकी ईडी रुकने का नाम नहीं ले रही है और अपराधियों भ्रष्टाचारियों में एक ऑफ का माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में जब ईडी ने एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की एंट्री बॉलीवुड के गलियारों में भी हो गई है। और ऐसे में एंट्री हुई है कि करोड़ों की संपत्ति को ही सीधा साधा ईडी ने जब्त कर लिया है, जिसके बाद बॉलीवुड के गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।